press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुरुकुल की शिष्या से दुष्कर्म मामले में आरोपी मदन राजस्थानी उर्फ दाती की गिरफ्तारी के कयासों के बीच चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दाती ने इस मामले में सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही अक्टूबर में जयपुर व पाली स्थित करोड़ों की संपत्तियों को सस्ते दामों में बेच दिया है। सौदा उन्होंने श्री शनिधाम ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी की हैसियत से किया। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों संपत्तियों का सौदा उन्होंने महज दो दिन में कर दिया। दूसरी ओर इस सौदेबाजी के संबंध में दाती से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाया। गोपालपुरा बाईपास के पास देवी चिरंजीवी कॉलोनी में स्थित श्री शनि धाम ट्रस्ट असोला फतेहपुर बेरी के नाम से मकान नंबर C4A था। इस 125 वर्ग गज के दो मंजिला मकान को 24 अक्टूबर को 43 लाख रुपए में बेच दिया गया। यह गीता देवी ने दान किया था। 27 सितंबर को पूरक सत्र बनाकर इसे बेचने का हक लिया गया और ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का सहमति पत्र भी लगाया गया है। दाती के वकील गजेंद्र सोनी ने कहा कि कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद दाती ने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेची है। अनाथालय स्कूल के संचालन के खर्च के लिए भी प्रॉपर्टी बेचना जरूरी हो गया था। पाली के सोजत इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रस्ट के नाम से 16.47 लाख वर्ग फीट की मेहंदी फैक्ट्री 26 अक्टूबर को बेची गई। दाते ने प्रधान ट्रस्टी की हैसियत से रजिस्ट्री करवाने का उल्लेख किया है। ट्रस्ट के सदस्यों से अनुमोदन के बारे में भी लिखा है। फैक्ट्री 15 लाख में बेची गई। मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसे 77 लाख रुपए में बेचा गया है। दाते के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इसी साल 11 जून को दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 16 अक्टूबर को दाती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सीबीआई जांच नहीं कराने की मांग की। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। 26 अक्टूबर को सीबीआई ने केस दर्ज किया। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।